Hello friends, my name is Ola Jaro, you are watching Passion About Men. आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे स्मार्ट और हैंडसम दिख सकते हैं। हम जब भी कोई नई स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे तो हमें दिमाग यही ख्याल आता है कि हम सबसे स्मार्ट और सबसे हैंडसम कैसे दिखे। लेकिन इस वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा आप सबसे स्मार्ट सबसे हैंडसम कैसे दिखे। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। कभी भी स्मार्ट और हैंडसम शब्द सुना होगा तभी आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कोई भी सुपरस्टार या भी कोई भी सेलिब्रिटी का आपके दिमाग में ख्याल आता है। क्योंकि कभी आपके दिमाग में अपने आप का ख्याल नहीं आता कि आपकी छवि नहीं आती, क्योंकि आप पे अपने पूरे भरोसा नहीं है। जब भी आपने कोई सेलिब्रिटी या फिर सुपर स्टार का इंटरव्यू देखा होगा, अगर वो पब्लिक में बोलते हैं तो कितने आराम से और कितने शांति से बोलते हैं, वो लोग कभी घबराते हैं। लेकिन आपको अगर कभी मौका मिले कहीं पे बोलने का तो आप लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और आप अपने आप से डर जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी कहीं पे बोलने से डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको कोई पब्लिक में या फिर कोई भी किसी भी जगह आपको कोई भी आदमी गलत बोलता है या फिर गाली देता है तो आप उसके ऊपर गुस्सा कर देते, उसे खराब खराब शब्द बोलने लगते हैं। लेकिन हमें कभी भी पब्लिक या फिर कभी भी कोई आदमी, वो आपसे उम्र में बड़ा हो या फिर आपसे उम्र में छोटा हो, उसे कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, उसे कभी भी खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके एक इज्जत कम कर देती है और आपका लेवल कम कर देती है। अगर आपने कभी भी कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई भी सुपर स्टार को देखा होगा, क्या उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो वो लोग किसी भी इंटरव्यू में दिए हुए सवाल का पूरा समझते हैं और फिर उसे आंसर देते हैं, पूरा आराम से आंसर देते हैं। आपको भी यही करना है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछता है तो उसे सोचना है, समझना है और फिर उसका आंसर देना है, तब आप हैंडसम और स्मार्ट बन सकते हो। आप जब भी किसी से मिले और जब भी किसी से बात करें तो आपको हंसते हुए बात करना चाहिए, क्योंकि हंसते हुए लोग सभी को अच्छा लगता है और जो भी लोग आपसे साथ हंसते हंसते बात करते उसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है। इसलिए हमें हमेशा जीवन में हंसते हुए रहना चाहिए। जो लोग ज्यादा हंसते नहीं, जो लोग ज्यादा रोते रहते हैं और जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, वो लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई किसी के साथ बात करें तो हमें हंसते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि हंसते हुए हमें किसी भी मुश्किल या किसी भी चुनौती का आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। और मेन बात यह है कि लड़कियों को हमेशा हंसते हुए लड़के पसंद आते हैं, इसलिए हमें जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर आपको स्मार्ट और हैंडसम दिखना है तो इसलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। आपको स्मार्ट और हैंडसम बनना है तो आपको रेगुलर जिम जाना पड़ेगा, ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा स्मार्ट और हैंडसम लड़के फिट और तंदुरुस्त होते हैं। जिम जाने का यही फायदा है कि आप ज्यादा तंदुरुस्त और ज्यादा फिट हो जाते हैं। आप जो भी कपड़ा पहनते हो वो आपके ऊपर अच्छा लगता है और आपकी स्टाइलिश का लेवल एक लेवल अप कर देता है। इसलिए हमें हमेशा जिम जाना चाहिए और लड़कियों को भी जिम जाने वाले लड़के और ज्यादा मसल बॉडी वाले लड़के हमेशा पसंद आते हैं। जहां भी आप जाएंगे वहां आपको ज्यादा प्यार और ज्यादा ताकत मिलेगी, इसलिए हमें जिम जाना चाहिए और आप जिम जाने से स्मार्ट और हैंडसम जरूर बन पाएंगे। स्मार्ट और हैंडसम बनने के लिए हमें अपने कपड़े अपने अनुसार पहनने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको अपनी साइज के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा फिट नहीं, ज्यादा लूज नहीं कपड़े पहनने चाहिए। जो भी अभी ट्रेंड चल रही है उसके मुताबिक आप लोग कपड़े पहन सकते हो। अगर आपको कपड़े के बारे में कुछ पता नहीं है तो आपके एज के जो भी सुपरस्टार या फिर कोई भी सेलिब्रिटी है उसके देख के आप अपने कपड़े पहन सकते हो और अच्छा दिख सकते हो। आपको कभी भी फटा हुआ या फिर रंग निकल गया हो ऐसा कपड़ा और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े आपके स्टाइलिश लेवल का एक लेवल कम कर देते हैं। और हमेशा साफ सुथरे और क्लीन कपड़े पहनना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके बाजू में एक ऐसा आदमी आके बैठता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिससे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, उसका बाल भी बराबर कटे नहीं है, तो क्या आप उसके बाजू में बैठना पसंद करेंगे? नहीं। इसलिए हमें हमेशा स्मार्ट और हैंडसम दिखने के लिए अपने कपड़े को अच्छी तरह से पहनना चाहिए और डिओडोरेंट जरूर लगाना चाहिए। इन सभी टिप्स से आप स्मार्ट और हैंडसम दिख पाएंगे और आप सबसे अलग और सबसे डिफरेंट दिख पाएंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।